सो हेलो गाइस और कितने दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है जैसे कि आप लोगों को पता है पिछला ब्लॉग तीन महीने या चार महीने बाद आया था पहले कॉलेज का ब्लॉग आया था पूरा कैंपस टूर करके आप लोग को दिखाए थे आज आप लोग को हॉस्टल के बारे में जानना होगा क्योंकि अभी दो चार पाँच महीने बाद फिर से फर्स्ट तो ईयर से आएंगे नए वाले तो सबको पता होना चाहिए कि हॉस्टल से क्या है तो सी रमन में तीन चार टाइप का हॉस्टल है बॉयज़ लोगों का तो जैसे की एनडीए और ओ बी एच है और भी एक है वो हो गया कैंपस के अंदर बाहर एज हॉस्टल है जैसे की केवी वन और के वी टू जैसे आप लोग को प्रिंटिंग दिख रहा होगा दो हॉस्टल है उस तरफ का के वी वन है और इस तरफ का के वी टू है जो कि बाहर जो रहते हैं मतलब कॉलेज का ही हॉस्टल ले है लेकिन ये बाहर में दिया हुआ है तो आपको आज इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसा क्या के रूम मिलता है इसके अंदर और आपके लिए ठीक होगा कि नहीं आपको रिट्यू होगा इसके बारे में तो बाकी चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि अंदर रूम कैसा क्या है अभी बहुत इंट्रोडक्शन हो गया आप लोग भी बोरिंग हो रहे हो तो चले चलते हैं और आगे रूम देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं भाई तो ये रहा आप लोग का एंट्रेंस हॉस्टल का अभी यहाँ पे बहुत काम चल रहा है ये पहला वाला के वी टू है नीचे टाइल्स का काम चल रहा है यहाँ पे और दूसरा वाला उसके वी वन के वी टू यहाँ पर अभी टाइल्स का काम चल रहा है अभी इसलिए थोड़ा बिखरा बिखरा होकर गिरा हुआ है यहाँ पे दिए दिए था दिए दिए था दिए था। ये, ये चार फ्लोर है यहाँ पर आप लोगों में सब फ्लोर में रूम सेम ही है से थर्ड फ्लोर का आपको रूम दिखाऊंगा वहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर है ये सेकेंड फ्लोर है यहाँ पर हर रोज़ दो तीन दिन के अंदर साफ सफ़ाई करने वाले भी आते हैं रूम आपको करना नहीं पड़ेगा इतना यह अपना थर्ड फ्लोर है तो ये आप लोग का थर्ड फ्लोर यहाँ पे आप लोग को चार फ्लैट देखने के लिए मिलेगा जैसे ये थ्री ज़ीरो वन थ्री ज़ीरो टू थ्री ज़ीरो थ्री और थ्री ज़ीरो फोर और यहाँ पे आप लोग को चार रूम देखने के लिए मिल जाएगा अंदर और इस तरह भी वही सेम है वो दोनों अलग है एक जैसे हैं ये दोनों एक जैसे हैं तो ये अपना थ्री ज़ीरो वन फ्लैट वाला जिसमें चार रूम आपको देखने के लिए मिल जाएगा और पहला वाला रूम ये है इसमें मैं भी रहता हूँ यहाँ पे यहाँ पे आप लोग को थ्री बेड मिलेगा अटैच बाथरूम इसमें नहीं है अलमीरा भी मिल जाता है इसमें तीन और टेबल चेयर भी मिल जाता है यहाँ पे ये यह रहा और यहाँ से आपको ये बालकनी तो नहीं है ये खिड़की है बस बालकनी उस तरफ है तो अभी उस साइड चलते हैं ये रहा अपना बाथरूम मिल जाएगा आपको और ये दूसरा वाला रूम जो है ये किचन है सिंगल बेड है यहाँ पे अटैच बाथरूम नहीं है एक अलमीरा मिल जाएगा और एक बेड बस इतना ही चेयर भी मिलता है किचन वाले लोग के लिए हैं किचन के बाद आप लोग को ये मिल जाएगा अटैच बाथरूम वाला उसके सामने एक बेसिन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये आपका अटैच बाथरूम वाला थ्री बेड रहता है यहाँ पे तीन आलमीरा भी मिल जाएगा आप लोग को दो खिड़की मिल जाते है यहाँ पे तीन आलमीरा और टेबल चेयर भी मिल जाता है और ये आप लोग का बाथरूम सेपरेट मिल जाता है इस रूम में ये आप लोग का बालकनी है ये बालकनी मिल जाता है आप लोगों को तो के वी वन है और ये चौथा वाला रूम आप लोग को मिल जाएगा केविन इसमें भी अटैच बाथरूम तो नहीं है यहाँ पे आप लोग को एक अलमीरा मिल जाएगा एक बेड और टेबल और चेयर मिल जाएगा यहाँ पे और बस इतना ही ये केविन रहता है और बस यही चार रूम था यहाँ पे दूसरे वाले फ्लैट में वो अलग, अलग अलग रूम मिलेगा जो कि आप लोग को अभी दिखाऊँगा चलते हैं ये हो गया थ्री जीरो वन और थ्री जीरो फोर ये दोनों सेम रहता है इसमें जैसा रूम मिलेगा उसमें भी उस वैसे ही रूम है ये दोनों सेम है तो इसका रूम हम लोग को दिखा देते हैं कि कैसा क्या मिलता है रूम यहाँ पर जैसे कि वहाँ पे किचन था यहाँ पे भी एक किचन है ये वाला वैसे टाइप का ही रूम है ये भी किचन ही है ये वाला तो बंद है ये टू सीटर वाला है दो लोग के लिए और ये बाथरूम यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा बेसिन भी यहाँ पे रहता है और ये आप लोग को ये तीसरा वाला मिल जाता है थ्री बेड वाला जैसे कि हम लोग का रूम था वहाँ पे अटैच बाथरूम इसका बाहर ही है अलमीरा भी एक दो तीन मिल जाता है यहाँ पे और तीनों टेबल और चेयर मिल जाता है यहाँ पे बस इतना तो ये हो गया आप लोग का वो थ्री बेड वाला नॉन अटैच बाथरूम इसमें ये भी वही सेम है इसमें अटैच बाथरूम आप लोग को मिल जाएगा वैसे तो एक का ही रूम है रूम आप लोग को दिखाते हैं जिसमें अटैच बाथरूम रहता है यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा जैसे थ्री बेड मिल जाएगा और अटैच बाथरूम भी यहाँ पे रह जाता है ये रहा आप लोग का बाथरूम भी मिल जाएगा यहाँ पर बाकी तीन आलमीरा मिल जाएगा और तीन कुर्सी और टेबल मिल जाएगा बाकी ये भाई हमारे सागर भाई रहे इनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं कि कैसा क्या रूम में फैसिलिटी मिलता है और बाकी सब हॉस्टल से ये हॉस्टल क्यों अलग है और कैसा लगता है इसीलिए तो चलिए पूछ लेते हैं यहाँ पे जैसे मतलब कि कॉलेज से बाहर रहता है के वी टू हॉस्टल के वी वन खाना पीने का मतलब कैसे आता है कॉलेज से फिर कैंटीन का क्या होता है कि जो कॉलेज है कॉलेज में जो मेस है वहाँ पे खाना बनता है तो यहाँ पे टाइमिंग बना हुआ है कि इतने बजे खाना आना चाहिए जैसे सुबह का जो नाश्ता है वो आता है साढ़े बजे फिर दोपहर का लंच आता है लेकिन क्या होता है कभी कभी दोपहर का लंच वहाँ हम लोग को कॉलेज के मिस हुई खिलाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है दोपहर में बाहर ही रहते हैं कॉलेज में रहते हैं इस कारण से यहाँ पे वो दोपहर का तो खाना नहीं आता है वो कॉलेज में ही खाया जाता है और जिस दिन छुट्टी होता है जैसे सैटरडे को छुट्टी मान के चलिए और संडे को है, तो खाना जो है यहाँ पर आ जाता है दोपहर में ग्यारह बजे बारह बजे इसी के आसपास आ जाता है फिर रात में खाना आता है साढ़े आठ बजे आठ बजे के आसपास तो

तो वहाँ पे ऐसा होता है कि इस टाइम में अंदर आना है इस टाइम में बाहर जाना है यहाँ पे भी वैसे रहता है इस पे थोड़ा तो अलग रहता है टाइम यहाँ पे क्या है कि टाइमिंग का है कि यहाँ पे आपको रजिस्टर में लिखना पड़ेगा कि आप इतने बजे बाहर गए इतने बजे घर पे आए हॉस्टल तो तो आप... ऐसे वो कॉलेज कॉलेज के अंदर जैसे हॉस्टल में रहते हैं वैसे टाइप का ना हाँ उसी टाइप का है बिल्कुल यहाँ पे एक चीज का और फायदा है जो जिस हॉस्टल में हम लोग रह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे बाहर का टच मिल जाता है बाहर का एनवायरमेंट मिल जाता है वहाँ पे कैंपस के अंदर एक दीवार के अंदर लेकिन सब सब बहुत बढ़िया है सबका अपना माहौल है अपना वजार और बाकी ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब बाकी जितना कॉलेज के अंदर जितना भी हॉस्टल है जैसे हो गया न्यू अपार्टमेंट हो गया उसके बाद इंटरनेशनल हो गया उन सबसे के वी वन और के वी टू को आपको मतलब कैसा लगता है कि ये अच्छा है या वो अच्छा है सबका अपना अपना रीजन हो सकता है लेकिन अगर मेरा रीजन पूछा जाए तो ये उनको सबसे बेस्ट हॉस्टल लगता है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बाहर का टच मिलता है थोड़ा सा हम लोग मार्केट की इधली जा सकते हैं ऐसा नहीं कि वो लोग भी नहीं जा सकते वो लोग भी बहुत ही इधली जा सकते हैं उन लोग के पास भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ है उन लोगों के आसपास बहुत सारा चीज़ मिलता है लेकिन सबका अपना अपना फ़ायदा है अपना अपना नुकसान है जैसे हम लोग को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ कॉलेज में पढ़, पढ़ने के लिए जाने के लिए और जो अंदर वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता है हम लोग को थोड़ा सा लेकिन शुरुआत में वैसा लगता है धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत नॉर्मल हो जाता है सब चीज तो दोनों दोनों बहुत अच्छा है और खासकर मेरे हिसाब से के बी टूरिस्ट बेस्ट तो आप लोग को ये वाला आप लोग को मैच मिल जाएगा यहाँ पर खाने पीने के लिए यहाँ पे आता है सब कि आपको अगर लगता होगा कि यहाँ पे आसपास कोई दिक्कत होगा जैसे कि कुछ दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको यहाँ पे और फायदे होंगे जैसे कि मेडिसिन स्टोर यहाँ पे नीचे है वहाँ पे कपहार भी है और मतलब कोई सामान वामान खरीदने का और मार्ग भी है तो मतलब कुछ भी घर का सामान या कुछ भी लेना है आपको कोई कोई भी तरह का सामान हो आपको नीचे मिल जाएगा मेडिसिन स्टोर है प्रिंट आउट दुकान है कॉलेज का मतलब जितना कुछ भी काम वक्त पर मैं यहाँ पे नीचे सब कुछ दुकान आपको मिल जाएगा खाने वाने का चक्कर है यहाँ फास्ट फूड भी पानी बहुत है आपको मिल जाएगा हॉस्टल मतलब कॉलेज के हमने तो आपको रात में मतलब ऐसे बाहर जाके टाइम लगता है वो यहाँ पे नहीं तो आप आएंगे यहाँ पे दुकान है आपको मिल जाएगा सब कुछ और बाकी कॉलेज आपको वहाँ पे दिख जाएगा ज़्यादा नहीं आपको एक किलोमीटर दूर है तो आपको थोड़ा मतलब इतना सब चीज़ मिल रहा है तो एक डिसएडवांटेज भी मिल रहा है कोई बात नहीं है लेकिन आपको बहुत कुछ एडवांटेज है यहाँ पर हॉस्टल में और मेरे हिसाब से तो मैं बोलना चाहूँ तो भाई सिजू में अगर हॉस्टल कोई सा अच्छा है है तो वो और, इसका रूम और जो भी है सब साफ सुथरा और नया नया है तो बहुत अच्छा रहा है इतना बिखराज लोग तो बाकी यहाँ पे एंड करते हैं आप लोगों को पूरा पता चल गया होगा कि के और केवी कैसा हॉस्टल है बाकी आप लोग तो आएंगे अभी जैसे कि फर्स्ट ईयर से अभी कितना पाँच छह महीने के बाद फिर से यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आप लोग के लिए ये ब्लॉग था प्लीज़ इसको देखना और समझना कि भाई हॉस्टल कहाँ पे देने से आप लोगों को फ़ायदा होगा यही आप लोग को दिखाने चाहते थे बाकी भाई लाइक करना शेयर करना और कमेंट भी कर देना और आएंगे तो आप लोगों से भी मिलेंगे यहाँ पे तो चलिए ठीक है रखते हैं यहाँ पे